दोस्तों, हमारे पुराने दौर में ऐसे कई अभिनेता थे जिन्होंने फिल्मों में काफी दमदार खलनायकी से दर्शकों को खूब डराया था, जिन्हें देखकर ऐसा लगता था कि शायद ही इनका कोई रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। लेकिन हमारी ये धारणा गलत साबित है, बल्कि हमारे बॉलीवुड में आज के समय में एक से बढ़कर एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपने अलग अलग अंदाज से विलेन के रोल को निभाया है और पुराने दौर के विलेन को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों, आप इनके बारे में तो सब कुछ जानते हैं, पर क्या आप इनके पापा के बारे में जानते हैं कि वो कौन है? नहीं जानते ना, तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इनके आदर्श पापा से रूबरू करवाएंगे। अगर आप भी इनके पापा से मिलना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और साथ इन दमदार खलनायकों के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 5, उपेन पटेल। बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री में अपनी दमदार अदाकारी के लिए जाने जाने वाले अभिनेता उपेन पटेल ने आई फिल्म में काफी नकारात्मक किरदार निभाया था और इस किरदार के साथ काफी फेमस हो गए थे। लेकिन अगर बात करें इस दमदार खलनायक के पापा के बारे में, तो इनके पापा एक जाने माने बिजनेसमैन हैं जिनका पेट्रोल का काफी बड़ा कारोबार है, जिसके जरिए ये काफी अच्छी कमाई कर लेते हैं। आपको बता दें कि इनके पापा भले ही इनसे काफी दूर रहते हैं, लेकिन दोनों के रिश्ते में काफी अच्छी बॉन्डिंग है। नंबर 4, विद्युत जामवाल। बॉलीवुड के मल्टी टैलेंटेड स्टार विद्युत जामवाल ने साल 2011 में आई फिल्म फोर्स में काफी नेगेटिव किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था, जिसके चलते ये इस किरदार से काफी फेमस हो गए थे। लेकिन अगर बात करें इस मल्टी टैलेंटेड स्टार के पापा के बारे में, तो इनके पापा इनसे बहुत प्यार करते थे और इनकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करते थे, पर अफसोस आज वो हमारे बीच नहीं हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनके पापा प्रोफेशन से एक आर्मी ऑफिसर थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी थी। नंबर 3, नील नितिन मुकेश। दोस्तों, अगर आपने प्रभास की धमाकेदार फिल्म साहो देखी होगी तो आपको अशोक चक्रवर्ती का किरदार जरूर याद होगा, जिसे अभिनेता नील नितिन मुकेश ने निभाया था, जिन्होंने अपनी जबरदस्त खलनायकी से दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था और फेमस हो गए थे। लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनेता के पापा के बारे में, तो इनके पापा का नाम नितिन मुकेश है, जो कि प्रोफेशन से एक प्लेबैक सिंगर हैं, जिन्हें ज्यादातर भजन गाना गाने के लिए जाना जाता है। अगर बात करें इनके कुछ प्रमुख गानों की, तो इन्होंने माई नेम इज लखन, कृष्णा कृष्णा, वफा न रास आई और जिंदगी की न टूटे लड़ी जैसे तमाम गाने गाए हैं। नंबर 2, रितेश देशमुख। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग से दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने वाले अभिनेता रितेश देशमुख ने वैसे तो अपने करियर में ज्यादातर फिल्मों में एक पॉजिटिव किरदार निभाए हैं, लेकिन इन्होंने एक विलेन मूवी में एक ऐसे खतरनाक खलनायक की भूमिका अदा की थी जिसे देख सभी हैरान हो गए थे। वहीं अगर बात करें इस दमदार अभिनेता के पापा के बारे में, तो इनके पापा का नाम विलास राव देशमुख है, जिनके ये बेहद ही लाडले बेटे थे, पर अफसोस इनके पापा हमारे बीच नहीं हैं। आपको बता दें कि इन बाप बेटे का रिश्ता बाप बेटे का कम दोस्ती का ज्यादा था, जो एक दूसरे से अपने दिल की सारी बातें शेयर करते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनके पापा प्रोफेशन से एक लॉयर के साथ साथ महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। नंबर 1, सोनू सूद। आशिक बनाया आपने, आर.आर. राजकुमार जैसी कई फिल्मों में अपनी खलनायकी का जलवा बिखेर कर प्रसिद्ध हुए अभिनेता सोनू सूद एक ऐसे दमदार कलाकार हैं जिन्होंने विलन के रोल के साथ साथ एक हीरो के रोल को भी काफी बखूबी निभाया। लेकिन अगर बात करें इस दमदार कलाकार के पापा के बारे में, तो इनके पापा का नाम शक्ति सूद है, जो कि प्रोफेशन से एक छोटे मोटे बिजनेसमैन थे, पर दुख की बात तो ये है कि ये आज हमारे बीच नहीं हैं। कुछ सालों पहले ही लंबी बीमारी से ग्रसित होने के चलते इनके पापा का देहांत हो गया था, जिसकी वजह से ये काफी डिप्रेशन में चले गए थे। तो दोस्तों, आपको इन कलाकारों में से किस कलाकार का सबसे अच्छा अभिनय लगता है, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी अनसुनी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।